हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता बच्चों के लिए, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ चॉप्ड टोमेटोस, उसके बाद लिए हैं मैंने ग्रेटेड गाजर, चॉप्ड कैप्सिकम, देन ग्रेटेड जिंजर, थोड़े से करी लीव्स 6 to 8 एंड मस्टर्ड सीड्स। इसको बनाने के लिए हम चढ़ाएंगे एक पैन बिल्कुल लो फ्लेम पर, उसमें ऐड करेंगे ऑयल या फिर घी। मैंने ऑयल ऐड किया है, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकती हैं। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स जब अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे करी लीव्स। करी लीव्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा जलाना नहीं है, इसीलिए हम उसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। देखिए अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पीनट्स। पीनट्स जो है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में इसमें प्रोटीन होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी है ये, तो इसको भी ऐड करें। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें हम हमारी जो सब्जी हमने काट के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है ग्रेटेड जिंजर। थोड़ा सा इसको मैं सॉटे कर लूँगी 30 सेकेंड्स तक। जब ये हल्का सा सॉटे हो जाएगा तो इसमें मैं बाकी की सब्जियाँ इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है मेरे कटे हुए कैप्सिकम्स, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मेरे ग्रेट किए हुए गाजर, और दोनों को मैं एक अच्छे तरीके से सॉटे कर लूँगी और 1 मिनट तक पका लूँगी। फ्रेंड्स, सब्जियों को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिंपली इसे सॉटे करना है कुछ देर तक, और जब ये अच्छे से सॉटे हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट यानी कि हमारे कटे हुए टमाटर, और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ देर तक पका लेंगे। जब तक ये पकती है तब तक हम क्या करेंगे कि दूसरी तरफ गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 बाउल सूजी यानी कि रवा। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे हम कुछ देर तक सॉटे करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड्स, सूजी यानी कि रवा जो होता है इसके अंदर पोटेशियम और आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही में इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन बी एंड विटामिन ई की मात्रा भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होती है, इसीलिए इसे एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है बेबीज़ के लिए। फ्रेंड्स, इसलिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है आपके बेबी को देने के लिए, इसलिए अपने बेबी को ज़रूर से ज़रूर खिलाएं ये ब्रेकफास्ट। देखिए इसका कलर परफेक्टली चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक सूजी ठंडी होती है तब तक हम हमारी सब्जियों में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमारा जो रवा है वो भी ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम हमारा रवा जो है वो ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, सिंपली 30 सेकेंड्स तक सॉटे कर लेंगे तो इनफ है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। पानी जो हम ऐड करेंगे उसका मेजरमेंट आपको, आपने जो सूजी ऐड किया है उसका 3 गुना डालना है, तो जिस बाउल से मैंने सूजी लिया था उसी का 3 टाइम्स मैं वाटर ऐड करूँगी। देखिए मैंने 3 बाउल पानी ऐड कर दिया इसमें। इससे क्या होता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्टली बन के तैयार होती है, और ये बच्चे को सर्व करने के लिए बहुत ही सही कंसिस्टेंसी है। पानी ऐड करने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसे ढककर पकने देंगे हम 15 मिनट तक। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है इसे। इसमें अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा पकने में, तो मैं बीच बीच में इसको चलाकर फिर से ढक दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है, मैं इसे चलाकर दिखाती हूँ आपको। ये जो कंसिस्टेंसी है ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, इसीलिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बच्चे को सर्व करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा टाइट जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये जो कंसिस्टेंसी है बेबीज़ को सर्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब भी ठंडा हो जाए तब आप अपने बेबी को उसे सर्व कर सकती हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी बेबी को ये कैसा लगा ब्रेकफास्ट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।